अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एशियन कुजिन मेड इजी। जिंगर विंग्स की रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इतने ज़बरदस्त, यमी एंड क्रंची कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये क्रंची जिंगर विंग्स घर में ही बनाए हैं। और हमेशा की तरह हम बहुत सी आसान तरीके के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे। और व्यूअर्स, इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पोटैटो सालसा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो लीजिए आपके किड्स की ट्रीट, एकदम फर्स्ट क्लास मेरी तरफ से, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन ज़बरदस्त डबल क्रंच के साथ जिंगर विंग्स और पोटैटो सालसा के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं चिकन विंग्स तकरीबन हाफ के जी। यहाँ पर हमें चाहिए बटर मिल्क, तो उसको भी हम घर में ही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन एक कप दूध। इसके अंदर आप शामिल करेंगे हाफ लेमन। नाज़रीन, यहाँ पर आपसे मैं एक टिप की बात शेयर करती चाहूँगी कि दूध को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का ना हो। इसमें लेमन मिक्स करके आप इसको कवर करके रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा बटर मिल्क रेडी है, ज़बरदस्त। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर चिकन विंग्स शामिल कीजिए। व्यूअर्स, इन विंग्स को इसके अंदर मैं शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। और अब इसको मैं डीप फ्रीज़र में रखूंगी, फ्रिज में नहीं, डीप फ्रीज़र में रखिए। अच्छे से इसको ठंडा करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो विंग्स की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए तकरीबन 2 कप प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और रिच टेस्ट आएगा इनका। जी नाज़रीन, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, विंग्स को मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये मैरिनेट हुए हैं। अब इसकी कोटिंग का तरीका देखिए, 1 बाय 1 करके मैं इन विंग्स को इस ड्राई फ्लोर में शामिल करते जाएंगे। अब गौर से तरीकेकार दिखेगा कि इसके ऊपर मैं ड्राई फ्लोर की कोटिंग किस तरीके से कर रही हूँ। अच्छे से इनके ऊपर ड्राई फ्लोर की कोटिंग कीजिएगा दबा दबा कर, कुछ इस तरीके के साथ। ये देखिए बहुत अच्छे से विंग्स के ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब मैं हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपको इसके ऊपर क्रंची एंड क्रिस्पी जो फ्लेक्स बनेंगे वो किस तरीके से बनते हैं उसका तरीकेकार देखें कि आपने 2 से 3 विंग्स को लेना है और इस तरह से दबा दबा कर आपने तरीका देखिएगा। ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने लगातार इनको प्रेस किया है इस आटे के अंदर, इस मैदे के मिक्सचर के अंदर, और इसको हल्का सा जाड़ें तो देखें आपको इसके ऊपर फ्लेक्स बनते हुए नज़र आएंगे। इसको साइड पर कर लें और 1 बाय 1 करके इसी तरीके के साथ मैं बाकी विंग्स को भी तैयार कर लूंगी। झाड़ना बहुत ज़रूरी है, जब आप इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे तो ये विंग्स, ये फ्लेक्स तब ही नमूदार होंगे इनके ऊपर। ये देखिए प्रेस आपने अच्छे से करना है। ये देखिए जितना अच्छा और स्मूथली आप प्रेस करेंगे उतने ही अच्छे फ्लेक्स इसके ऊपर बनेंगे। टैप कीजिए और ये देखिए जबरदस्त। इसी तरह मैं बाकी के तमाम विंग्स को इसी तरह कोटिंग करके रख लूंगी। नाज़रीन, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। ज्वाइन कीजिए मुझे फेसबुक पर एंड यूट्यूब पर, सेम नेम सेम चैनल एज एशियन कुजीन मेड इजी।
बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप मेरी वीडियोस को, रेसिपीज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल खैर। ये देखिए, ये भी मैंने बना के रख लिए हैं। अब देखिए, ये जो बैटर है जिसमें से हमने विंग्स को मैरिनेट किया था, इसके अंदर मैं ठंडा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप। अब यही कोटिंग हम दोबारा करेंगे। दोबारा कोटिंग का तरीका देखिए, वन बाय वन आपने विंग्स को लेना है और इसके अंदर आपने डिप करना है इस तरीके के साथ, और इसको दोबारा से शामिल कर दें ड्राई फ्लोर में इस तरीके के साथ। तो ये नाज़रीन हमारी डबल कोटिंग हो गई इन विंग्स के साथ। पानी को देखिए ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे पानी ये नहीं होना चाहिए। वन बाय वन करके तमाम विंग्स को इस तरीके के साथ इस मिक्सर में डिप करके ड्राई फ्लोर के ऊपर रखते जाएं। और यहाँ पर टिक की बात जो कि मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी कि आपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना इसके ऊपर, ड्राई फ्लोर की कोटिंग के लिए हम कांटे या चम्मच का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के साथ। जब अच्छे से ड्राई फ्लोर की कोटिंग इन विंग्स के ऊपर हो जाए तब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाज़रीन अगर आपने डायरेक्ट हाथों से ही इसको मिक्स करना शुरू कर दिया तो विंग्स के ऊपर तमाम कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। तो इस बात को ज़रूर आपने मद्देनज़र रखना है। ये देखिए, अच्छे से ड्राई फ्लोर की कोटिंग इसके ऊपर हो चुकी है। अब इनको मैं बाउल के साइड पे कर दूंगी और एक विंग को दरमियान में करके इसके ऊपर मैं ड्राई फ्लोर की कोटिंग चढ़ाते हुए इसको हल्का सा स्मूथली प्रेस कीजिए ताकि इसके ऊपर अच्छे से विंग्स नमूदार हो जाएं। 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह ही प्रेस करने के साथ साथ अब इसको मैं टैप करूंगी। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो फ्लेक्स हैं वो उसके ऊपर प्रोमिनेंट हो चुके हैं। इसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए मैं तमाम विंग्स के ऊपर इसकी कोटिंग कर दूंगी। ज़बरदस्त। और नाज़रीन, फ्राई करने से पहले इन विंग्स को हम अच्छे से तमाम विंग्स को बनाकर रख लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऑयल को चेक कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम विंग्स शामिल करेंगे। विंग शामिल करते हुए भी आपने उसको थोड़ा सा टैप करना है और उसके फ्लेक्स जो है नमूदार करने हैं। और 6 से 7 विंग्स अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो मीडियम कर दें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसको कुक नहीं करना। ये देखिए, अब इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो चलिए नाज़रीन, उतनी देर तक हम पोटैटो सालसा तैयार कर लेते हैं। पोटैटो सालसा के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के, और 1 अदद ऑरेंज गाजर। इसको क्यूब्स की शक्ल में कट करके मैंने इनको बॉईल किया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। खीरा शामिल कीजिए 1/2 कप, टमाटर 1/2 कप, इनके बीज हैं वो आप निकाल लें। थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच मायनीस। आप नाज़रीन यहाँ पर चाहें तो हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं 1 पिंच, और 1 टीस्पून आइसिंग शुगर, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही। बहुत ही ज़बरदस्त और रिच टेस्ट आएगा इस पोटैटो सालसा का, और विंग्स के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी टेस्ट देते हैं। तो आपने भी ज़रूर बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त और फुल ट्रीट है आपके बच्चों के लिए, आपके प्यारों के लिए। आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए विंग्स को देख लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। तमाम विंग्स को मैं वन बाय वन करके इनकी साइड चेंज करूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इनको कुक करेंगे। कवर कर दूंगी इसको। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रंची जिंगर विंग्स रेडी हैं। और यकीन जानिए व्यूअर्स, इस टाइम पे मेरे किचन से इतनी खूबसूरत सी खुशबुएं आ रही हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि जब आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो आपको ये कैसी लगी। और मेरी ये हमेशा से ये कोशिश रही है व्यूअर्स कि हम रेसिपी को बहुत सिंपल और आसान तरीके के साथ लेकर चलें।
तो उम्मीद करती हूँ आप भी टिप्स की बातों को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार आप इस रेसिपी को बनाएंगे। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल खैर। बाकी के विंग्स को भी इसी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलिए, बेहतरीन लम्हा आ चुका है कि मैं आपको इसका टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त क्रंच है इसका और देखते हैं खाने में ये कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, यमी, सॉफ्ट एंड क्रंची। और पोटैटो सालसा तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार बना। यकीनन आपके प्यारों को, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में ज़रूर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।